मैट्रिक की मैथ्स की बुक है मेरे पास, ओल्ड एडिशन है 6.1, न्यू बुक में 1.1 है। आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसमें है क्वेश्चन 1, 2x-5-4x-3=0। अब इसमें ये किस तरह से सॉल्व करते हैं, हम पहले क्या करेंगे कि ये माइनस का है, इसको जब राइट साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब हम इसकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, क्या करेंगे, x-3 and 4 2x-5, 6x-6x-3 6 18, 4 2 8x-4 5 20। नाउ हम क्या करेंगे, 6x को यहाँ लेकर जाएंगे एंड 20 को यहाँ लेकर आएंगे। माइनस का है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, साइंस जो है ट्रांसफर हो जाती हैं, स्वाइप हो जाती हैं, और ये माइनस प्लस का है तो यहाँ के माइनस का हो गया। 20 subtract 18 2 and 8x-6x = 4x। नाउ वी हैव टू सेपरेट दिस वेरिएबल, सो द 4 इज मल्टीप्लाइड हियर, वी आर ट्रांसफरिंग हियर, 2 1s are 2 2 2s are 4, सो द आंसर इज 2। थैंक यू वेरी मच। एग्जैक्टली ऐसे होगा, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस, हमें एक मतलब साइड चेंज करने की जरूरत है, यहाँ पे ऑलरेडी हमें एक परफेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, बस डायरेक्ट हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। मैं आती हूँ थर्ड पार्ट पर, थर्ड पार्ट पे करते हैं 7x/8 + 3 = 9x/10। नाउ हम क्या करेंगे, 7x/8 9x/10, ये प्लस का है, यहाँ आकर क्या हो जाएगा माइनस का। 7x/8 = यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। नाउ हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 10 7 70x, 8 9 64 8 9 60 70 72 - 8 0 0 8 3 24। नाउ यहाँ पर 72x है, यहाँ पर 70 है, तो हम यहाँ 70 को यहाँ लेकर जाएंगे, 240 को यहाँ लेकर आएंगे, ये हो जाएगा 2x, 2 1s are 2 x = 120। थैंक यू वेरी मच। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। वर्ड प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए पहले हम वर्ड्स को समझेंगे कि इसमें है क्या। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है वर्ड्स प्रॉब्लम करने के लिए, लेकिन ये बहुत इजी होते हैं। व्हेन 25 इज एडिड टू अ नंबर, अब हमें कोई नंबर बताया नहीं हुआ कि किससे ऐड हो रहा है, बस ऐसे कहा है कि टू अ नंबर, उसके लिए हम कोई भी एक वेरिएबल सपोज करते हैं, एक्स वाई जेड एक्सेट्रा, हम एक्स लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या है, एंड द रिजल्ट इज हाफ, मतलब उसके बाद इसका रिजल्ट क्या है, हाफ है, 1/2। देन द आंसर इज, जब भी कोई आंसर होता है, जैसे सपोज हम लिखते हैं कि कोई भी आंसर इज इक्वल टू 4, ठीक है, हम क्या लगाते हैं, इज इक्वल टू लगाते हैं हम आंसर के लिए, कह रहा है कि द आंसर इज 3 times, टाइम्स का मतलब होता है 3 मरतबा द ओरिजिनल नंबर, मतलब 3 times सो से मल्टीप्लाई। ओरिजिनल नंबर क्या है, क्योंकि हमें कोई नंबर बताया नहीं हुआ, हमने x सपोज किया, राइट। व्हेन 25 इज एडेड टू अ नंबर, 25 इज एडेड टू अ नंबर, द रिजल्ट इज हाफ एंड द आंसर इज 3 times द ओरिजिनल नंबर। नाउ क्या करेंगे, दिस इज वेरी सिंपल, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर कुछ नहीं है फॉर्म में, इट मीन्स ये अंडरस्टूड बात होती है कि यहाँ पे 1 होता है, 25 + x, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। 2 को जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 = 6x। नाउ ये x यहाँ पे एडिशन का है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 6x - x = 5x। अब हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे क्या कह रहा है, वॉट इज द नंबर, मतलब ये नंबर फाइंड करना है, x की वैल्यूज फाइंड करनी है हमें। तो ये क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 5 1s are 5 5 5s are 25, द आंसर इज 5। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन 18 इज एडेड टू अ 1/4 ऑफ अ नंबर, अब हमें नंबर बताया नहीं हुआ, हम x सपोज कर लेते हैं, द रिजल्ट इज 2 into 1/2 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। अब हमें ओरिजिनल नंबर नहीं पता, हमने x सपोज कर लिया है, देन पूछा है व्हाट इज द नंबर, हमें x फाइंड करना है कि x क्या है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले हम एलसीएम लेंगे, 4 को 18 से जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 8s are 32, 4 1s are 4 5 6 7, प्लस x = 2 2s are 4 + 1 5 4 2 x। नाउ हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई होगा एंड 4 मल्टीप्लाई होगा 5x, ये हो जाएगा 144 + 2x = 20x। देन 144 यहीं रहेगा, 2x यहाँ प्लस का है, यहाँ के क्या हो जाएगा 20x, ये प्लस का, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 144 = 18x। अब 144 / 18 = x, मोबाइल बंद होगी, 2 9s are 18 2 7s are 14 2 4, 3 3s are 9 3 1s are 3 3 2s are 6 3 4s are 12 3 1s are 3 3 8s are 24 x = 8। थैंक यू।